हेलो दोस्तों, आप कैसे? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक रहे, हैप्पी रहोगे। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूँ कि मेरे अपर लाइट है वर्क नहीं कर रही है और उसका सॉल्यूशन क्या है। तो पहले एग्जैक्टली मैं आपको बताऊँ कि क्या हो रहा है। अभी मैं कार के अंदर है, मैंने लाइट चालू की। ये अभी है ना, लोअर पे लाइट है, या अभी लोअर पे लाइट है। तो देखो, बल्ब है ना वो चल रहा है। देखो, सारा जो बल्ब है इस साइड का और इस साइड का चल रहा है। अभी मैं ना अपर पे, अभी मैं ये करता हूँ, देखो फॉग लैम्प भी चल रहे हैं। अभी इसको मैं अपर पे शिफ्ट करता हूँ। देखो, तो इसको अभी मैंने अपर पे शिफ्ट किया। जैसे मैं अपर पे डाल देता हूँ तो एक्चुअली यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो लाइट अभी बंद हो गया है। हेडलाइट पूरी तरह से अभी नहीं चल रही है। हेडलाइट रिलेटेड मेरे को इसके पहले भी इशू आया था, उस रिलेटेड मैंने वीडियो बनाए हैं, तो एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। तो अभी एक ही है कि जिससे मैंने हेडलाइट लगाए हैं तो उसके बाद जाना पड़ेगा। और मेरे को यहाँ पे भी देख सकते हो, कुछ भी लाइट नहीं जल रहा है। उसको दिखाना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या इशू है। तो फटाफट वहाँ पे जाते हैं और उससे मिलते हैं और देखते हैं कि टेक्नीशियन क्या बोल रहा है। तो दोस्तों, अभी मैं घर से निकला हूँ तो सीधे हम लोग मिलते हैं जहाँ से मैंने लिया था बल्ब, उसके पास। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे मैं पहुँच गया हूँ। मेरे को यहाँ पे मिति एक्सेसरीज है, तो एक बार उनको दिखा देता हूँ कि क्या इशू है ये। तो अभी टेक्नीशियन है, वो चेक करेगा कि एग्जैक्टली ये अपर पे क्यों नहीं है बल्ब चल रहा है, डाउन पे क्यों चलता है। तो एक बार इसे चेक करने देते हैं। गाड़ी में जो लाइट के जो एडेप्टर्स रहते हैं उसने ओपन किए हैं, तो अभी देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या है। उन्होंने मुझे एक्चुअली बोला कि ये जो एक एडेप्टर है, मेरे को यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे को ये एडेप्टर है। तो उन्होंने बोला कि इसमें इशू है, ये जल गया है, तो ऐसा वो बता रहे हैं। अगर ये हम लोग दूसरा लगाएंगे तो हो सकता है। तो दोस्तों, ये जो एडेप्टर है वो ख़राब हुआ था, तो उन्होंने अभी निकला है। तो उन्होंने दो ऑप्शन दिए कि डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, एडेप्टर की भी कुछ ज़रूरत नहीं है। बट मैं सोचा कि इसको अभी फिर से एक एडेप्टर लगा देते हैं, ऐसे क्या थोड़ा लूज़ हो जाता है अगर हम लोग ज़्यादा देर तक लाइट चालू रखते हैं, तो कभी कभी ऐसा इशू हो जाता है। तो इसका मेरे को पूरा जो खर्चा आया है वो 150 रुपीज़ का आया है, जिसमें एडेप्टर है 100 रुपीज़ का है और 50 रुपीज़ है इनका चार्जेस है टेक्नीशियन का। तो अभी इन्होंने फिट तो किया है एडेप्टर, तो अभी इसको मैं चालू करता हूँ लाइट को। अभी अपर पे डाल दिया है, अभी देखते कि लाइट चालू हुई है क्या। तो दोस्तों, लाइट है वो चालू हो गई है अपर पे मेरे को, तो एडेप्टर में इशू था। तो दोस्तों, ये है मिति एक्सेसरी जो विरार वेस्ट में है, और मैंने यहाँ से ही एक्सेसरीज है वो लगाया है, गाड़ी का पूरा काम कराया था। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं तो अभी यहाँ से निकलते हैं और थोड़ी देर में मैं आपसे मैं मिलता हूँ। तो जैसे मैंने आपको दिखा है कि मेरे को एडेप्टर है जला हुआ था, अभी मेरे को पता नहीं कि कभी जला हुआ था, पर मेरे को हेडलाइट का इशू दिखा तो मुझे लगा कि एक बार दिखाना चाहिए। एक्चुअली मैं अभी कुछ दिनों में मैं थोड़ा बाहर जाने वाला हूँ, तो मुझे अपर की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी मैंने अपर पे डाल दी है, तो अभी आपको मैं दिक्कत हो कि कैसे दिख रही है इसका विजिबिलिटी। एक्चुअली क्या उस टाइम धूप था डायरेक्टली गाड़ी पे, तो इसके लिए नहीं दिख रहा था। मेरे को अपर भी अभी लाइट अच्छे से चल रही है मेरे को। तो एक्चुअली अपर लाइट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है जब भी आप हाईवे पे ड्राइव करते हो, या फिर आप रात में ड्राइव कर रहे हो तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है अपर लाइट। तो अभी इसको मैंने चालू कर लिया है, तो अभी किसी भी प्रकार की वरी करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, ये था वीडियो। हेडलाइट में जो बल्ब था वो अपर साइड में नहीं चल रहा था, तो उस रिलेटेड था जिसमें आपको मैंने दिखाया है कि मैं कार एक्सेसरीज के शॉप में गया, मतलब जहाँ से बल्ब ख़रीदा वहाँ पे गया, और टेक्नीशियन ने
उसका कैसे सॉल्यूशन निकला और कितने चार्जेस उन्होंने लिए हैं। तो दोस्तों बस यही था वीडियो, इस वीडियो में मैंने सारी डिटेल्स आपको बताए हैं। तो अभी इस वीडियो को यहाँ पे मैं एंड करने को जा रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा रहेगा, हेल्पफुल लगा रहेगा। मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग और अच्छे खासे टॉपिक के साथ। तब तक दोस्तों टेक केयर एवरीवन एंड बाय।